पीएम आवास योजना के अंतर्गत गरीब लोगों के लिए सरकार ने मकान बनाकर कई प्रकार की सुविधाएं दी, लेकिन उनका कई लोग अवैध कार्य करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मंगलवार को देवास में एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया, जहां देवास के भाजपा पार्षद दल के सदस्य चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित मल्टी में निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां गरीबों के आशियाने में कुछ लोग सट्टा खेलते हुए नजर आए, साथ ही एक स्कूल भी संचालित होता हुआ मिला। मौके पर पहुंचे पार्षदों ने बताया कि यहां पर 4 कमरों में स्कूल संचालित हो रहा था, वहीं समीप ही एक कमरे में सट्टा भी चल रहा था। इसकी जानकारी हमने पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची और जब जांच की गई तो पुलिस को सट्टा सामग्री भी एक घर से बरामद हुई है। मामले में एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है, आगे की कार्रवाई जारी है। हमारे बड़े भाई अजय तोमर जी ने बताया है कि हम लोगों को सूचना मिली थी कि मल्टी में जो अलाटमेंट हुए हैं वो गरीब लोगों के नाम पर अलाटमेंट थे, बाकी उनके स्थान पर कुछ किराएदार भी दे रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पे कई स्कूल संचालित भी हो रहा है। और साथ ही साथ वहाँ जब गए तो हमें बताया गया कि यहाँ पे दूसरी गतिविधियाँ चल रही है, जैसे कुछ दारू बेचना, कुछ सट्टे चलाना। तो हम जब वहाँ पे चेक करने गए, पूछने गए कि भैया किसके हाथ में मकान, किसके नाम पे मकान है और आप कौन है, तो वहाँ जाकर देखा तो वो लड़का भगने लगा और वहाँ देखा तो 3-4 लोग वहाँ पे सट्टा जुआ लिख रहे थे और बहुत सारी बहुत सारे कागज पकड़ाए हैं वहाँ पर, जो कागज में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने जब्त करी और लड़के को भी गिरफ्तार कराया। हम लोगों को जानकारी मिल रही थी कि जो मल्टी में जो मल्टी मिली है गरीबों के स्लम क्षेत्र के स्लम वालों के लिए, वहाँ पे अनियमितताएं हो रही है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के नाम पे 4-4 मकान हैं, कहीं स्कूल चल रहे हैं, कहीं किराने की दुकान चल रही है, इसी की शिनाख्त करते करते हम जब रूमों में गए तो एक जगह पे सट्टा भी चलता हुआ पाएगा बड़ी मात्रा में। रास्ता किया जाए, उनकी राशि भी जब्त की जाए और वो गरीबों को मकान मिले, ये MIC में हम महापौर जी को अवगत करवा के ये नियम निकलवाने के लिए। परिषद द्वारा एक समिति बनाई गई है मल्टी को लेकर, तो उसके अध्यक्ष रामदयाल जी यादव जी हैं। आज सुबह मेरे पास उनका फ़ोन आया कि अपने को मल्टी में निरीक्षण के लिए चलना है, तो मैं उनके साथ गया। उनके साथ 6-7 हमारे कहीं MIC सदस्य और पार्षद महोदय जी भी साथ में थे। हम रेंडम वहाँ पर निरीक्षण कर रहे थे तो वहाँ पर पाया गया कि एक मकान में मतलब स्कूल चल रहा है। लोगों द्वारा भी अवगत कराया, तो हमने जैसे ही वहाँ देखा तो वहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे भी और स्कूल संचालित वहाँ हो रहा था। हमने वहाँ की मैडमों से चर्चा की, भैया किसका स्कूल है, क्या है, तो उन्होंने आनाकानी करी, फिर बताने से इनकार किया। फिर उनके मैडम ने ही एक किसी का नंबर दिया तो बात करने को तैयार नहीं थी और वो तैयार नहीं था। तो वहाँ पे हमने देखा कि हम पहले ही उस क्वार्टर्स में हम पहले भी कह चुके हैं, हमने उसको कार्रवाई भी कर दी थी पहले ही राउंड में जब हम गए थे, लेकिन फिर भी उनने किया है। तो हमने फिर वहाँ पर हमारे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वहाँ पर उस पर हमने लॉक कर दिया गया। उस तरह से हम इस तरफ से कुछ और मकानों का भ्रमण कर रहे थे, इसी टाइम किसी के वहीं रहवासी द्वारा इंडिकेशन दिया कि इस मकान में भी कुछ गतिविधि चल रही है, तो पूरी की पूरी टीम सहित हम जब ने वहाँ उसमें देखा तो पता लगा कि वहाँ पर एक कोई सट्टे उट्टे की कार्रवाई चल रही थी, तो तुरंत पुलिस को फ़ोन किया गया और पुलिस उसको पकड़ के भी ले गई है और ये कार्रवाई संचालित हुई। आज चंद्रशेखर आज़ाद नगर मल्टी में BJP के जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण जो है वहाँ निरीक्षण भ्रमण के दौरान गए हुए थे और उनके द्वारा निरीक्षण भ्रमण पर वहाँ कुछ आपराधिक गतिविधियाँ और अनियमितताएँ की जानकारी उनके द्वारा होना बताई गई, जिसके संबंध में आश्वस्त किया गया है कि थाना सिविल लाइन द्वारा उक्त क्षेत्र की सघन चेकिंग की जाएगी और उसमें यदि कोई आपराधिक गतिविधि चलती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहाँ जो अनियमितताओं की शिकायत की गई है और पुलिस चौकी की एक स्थापना की भी बात की गई है उनके द्वारा, तो पुलिस चौकी के लिए हम निश्चित ही वहाँ पर कॉम्बिंग गश्त बढ़ाकर आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश करेंगे और पुलिस द्वारा लगातार उस क्षेत्र में अवैध गतिविधि और अनैतिक गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई की जाती रही है और आगे भी ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।